हेलो एवरीवन, सोचो अगर आपको एक ऐसा मैजिक मंत्र मिल जाए जो आपको सेल्स इंटरव्यू में टॉप कैंडिडेट बना दे, तो हाँ आज हम वही मैजिक मंत्र आपसे शेयर करने वाले हैं। हम बात करेंगे उन सवालों की जो सेल्स इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं और उनके परफेक्ट आंसर्स। अगर आप भी सेल्स फील्ड में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आपको बनाते हैं सेल्स इंटरव्यू के मास्टर। तो पहला सवाल जो ऑलमोस्ट हर सेल्स इंटरव्यू में पूछा जाता है, आपको सेल्स फील्ड क्यों पसंद है? अब ये ट्रिकी सवाल है, पर आप इसका जवाब अपने पैशन और मोटिवेशन को दिखाकर दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं, मुझे सेल्स फील्ड इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे लोगों से मिलना और उनकी नीड्स को समझना बहुत अच्छा लगता है। मुझे टारगेट बेस्ड एनवायरनमेंट और कंपटीशन का एक्साइटमेंट मोटिवेट करता है। ये जवाब आपके पैशन और फील्ड के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। पर दोस्तों, सच्चाई और पर्सनल स्टोरी इंक्लूड करना ना भूलें, क्योंकि वही आपको यूनिक बनाता है। अगला सवाल जो आपको सुनने को मिलेगा, आपने पिछले जॉब में कैसे टारगेट्स अचीव किए? यहाँ आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स देने होंगे कि आपने कैसे टारगेट्स अचीव किए। एग्जांपल के तौर पे, मैंने पिछले जॉब में हर मंथ का टारगेट अचीव किया था बाय फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स नीड एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। एक बार मैंने एक पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ मल्टीपल फॉलोअप्स और पर्सनलाइज सॉल्यूशन के थ्रू एक बड़ा डील क्लोज किया था, जो कि हमेशा मेरा हाईलाइट रहेगा। ये जवाब आपकी स्किल्स और रिजल्ट को इफेक्टिवली शोकेस करता है। और गाइस, आपकी सक्सेस स्टोरीज हमेशा इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस करती है। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि आपको सेल्स में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है, इसका जवाब देने के लिए अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को हाईलाइट करना जरूरी है। जैसे कि सेल्स में सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कस्टमर ऑब्जेक्शन को हैंडल कर, लेकिन मैं इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हूँ। मैं हमेशा ऑब्जेक्शन को ध्यान से सुनती हूँ, उन्हें एड्रेस करती हूँ और उन्हें भरोसा दिलाती हूँ कि हमारे प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट है। ये जवाब आपके पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को हाईलाइट करता है। अब दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग सवाल, आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को कैसे हैंडल करते हैं? यहाँ आपकी रेजिलियंस और टीम स्पिरिट को हाईलाइट करना। एग्जांपल के तौर पे, मुझे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट काफी मोटिवेट करता है। मैं अपने टारगेट्स और डेडलाइंस के लिए हमेशा फोकस्ड रहती हूँ और साथ ही टीम के साथ मिलकर काम करती हूँ ताकि हम अपने कंपनी के गोल्स अचीव कर सकें। हेल्दी कंपटीशन मेरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। ये जवाब आपकी टीम स्पिरिट और कॉम्पिटिटिव एज को दिखाता है। तो गाइस, कॉम्पिटिशन से डरना नहीं बल्कि उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। एक ट्रिकी सवाल जो आपको जरूर सुनने को मिलेगा, आपने कभी एक डिफिकल्ट क्लाइंट को कैसे हैंडल किया है? इसका आंसर देने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल को यूज करें। एग्जांपल के तौर पे, एक बार एक क्लाइंट हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे और रिफंड डिमांड कर रहे थे। मैंने क्लाइंट के साथ पर्सनली बात करी और उनके कंसर्न्स को समझा और एक अल्टरनेट सॉल्यूशन ऑफर भी किया। मैंने उनके इशू को प्रायोरिटी दी और उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश की। एंड लास्टली, उन्होंने रिफंड ना लेकर प्रोडक्ट को कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। इस जवाब से आपके कस्टमर हैंडलिंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स का पता चलता है। ऑलवेज रिमेम्बर, एम्पथी और अंडरस्टैंडिंग से आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, एक कॉमन सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि आप कस्टमर रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं? ये सवाल आपके इंटरपर्सनल स्किल्स को टेस्ट करता है। जैसे कि, मैं कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए उनके नीड्स और प्रेफरेंस को प्रायोरिटी देती हूँ। रेगुलर फॉलोअप्स, पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन और आफ्टर सेल्स सपोर्ट से मैं उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा इंश्योर करती हूँ कि कस्टमर सेटिस्फाइड और हैप्पी रहे। ये जवाब आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग और कस्टमर सर्विस स्किल्स को दिखाता है। तो गाइस, कस्टमर के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाना ही सक्सेस का राज है। एंड फाइनली, एक इम्पोर्टेंट सवाल, आप हमारी कंपनी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? यहाँ आपको अपने यूनिक स्किल्स और कंपनी के ग्रोथ के साथ अलाइनमेंट को दिखाना। जैसे कि, मुझे लगता है मेरी स्ट्रॉन्ग सेल्स बैकग्राउंड और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स से मैं आपकी कंपनी के सेल्स टारगेट को अचीव करने में मददगार हो सकती हूँ। मैं नई स्ट्रैटेजीज और इनोवेटिव अप्रोचेस लाकर रेवेन्यू बढ़ाने और क्लाइंट बेस को एक्सपैंड करने में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। ये जवाब आपकी कैपेबिलिटीज और कंपनी के गोल्स के साथ आपके अलाइनमेंट को शोकेस करता है। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट एंड शो हाउ यू कैन एड वैल्यू। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन सेल्स इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके बेस्ट पॉसिबल आंसर। इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंट रहना और अपने आंसर्स को प्रैक्टिस करके जाना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए कि आपको सबसे हेल्पफुल टिप कौन सी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।